यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए। दोस्तों आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए ताकि आपको पल पल की सारी अपडेट दोस्तों वो मिलती रहे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भाई STT को लेकर अब कहीं ना कहीं नियुक्ति की मांग जो है वो तेज़ हो रही है, इसके लिए आंदोलन की शुरुआत भी होने जा रही है। तो जो आलोक सर का जो केस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है CWJC, ठीक है, 12481 जो है वो कितना मजबूत है, /2021 क्या इसमें जीत तय है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आलोक श्रीवास्तव के द्वारा जो केस किया गया है वो मेरिट वालों के लिए किया गया है और विज्ञापन का उल्लंघन बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने किया है, इससे इसके लिए जो है कोर्ट से न्याय मांगा गया है। तो ये केस काफ़ी मजबूत है और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि भाई कुछ समय के लिए कोर्ट में जो मामले थे वो बहुत ही कम सुने जा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि भाई ये सुनवाई होगी और जल्द से जल्द जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको न्याय मिलेगा। मेरिट वालों का कहना है कि पहले उनकी नियुक्ति कराई जाए, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे हम बात करेंगे कि आखिरकार आज हम देखेंगे, एक आंकड़ा देखेंगे कि आखिरकार बिहार के विद्यालयों में कितने शिक्षकों की आवश्यकता, यानी कि जो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी संख्या कितनी कम है, ये भी हम जानेंगे और देखेंगे कि भाई कितने शिक्षकों की आवश्यकता है और कब तक हाई स्कूलों में शिक्षकों की बहाली का प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो सकेगा। तो देखिए, आज से कुछ समय पहले का ये न्यूज है, इस न्यूज की हमने इसलिए भी आपको दिखाया क्योंकि इससे फिर से कई सारी बातें उजागर हो रही हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए लिखा है कि 2022 तक हाई स्कूल में 49,361 शिक्षकों की हो कि, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि होगी ज़रूरत। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि 2022 तक हाई स्कूलों में 49,361 शिक्षकों की होगी ज़रूरत, ठीक है। 49,361 शिक्षक के पद भरने होंगे, ये भी बात कही जा रही है। तो देखिए, कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए कहा गया है कि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत में कहा गया है कि भाई अब कहीं ना कहीं दे सकते हैं गाइज 49,361 शिक्षक के पद भरने होंगे। तो माध्यमिक विद्यालयों में हम बात कर रहे थे 33,916 और बैकलॉग की जो भी जितनी भी वैकेंसीज है उन सबको अगर देखा जाए तो इन सबको मिला के लगभग 49,361 शिक्षक के पद जो हैं वो शिक्षा विभाग ने कह दिया है कि भरना है। तो शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़ी अपडेट है कि भाई वो टारगेट बना चुका है कि 2022 तक जो है वो 49,361 शिक्षकों के पद जो है वो भरेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 49,361 शिक्षकों के पद अगर बिहार सरकार शिक्षा विभाग भरता है तो शिक्षकों की बहुत ज़्यादा जो कमी चल रही है वो तो दूर हो जाएगी, साथ ही साथ नियुक्ति के रास्ते भी खुलेंगे। और हाई स्कूल देखे लिखा, हाई स्कूल में शिक्षा की बदहाली का आलम यह है कि मध्य विद्यालयों की उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्या स्कूलों में दे सकते हैं तब्दील तो कर दिए गए लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं की जा सकी। 2022 तक हाई स्कूल में 49,361 शिक्षकों की ज़रूरत थी, इस साल के अंत तक हाई स्कूलों के लगभग 2500 शिक्षक रिटायर हो जाएंगे। शिक्षकों के रिटायर होने से 2022 तक 49,361 शिक्षकों की कमी हो जाएगी। तो देख सकते हैं गाइज, आप साफ तौर पर स्पष्ट है मामला कि 49,361 शिक्षकों के पद जो हैं वो भरे जाएंगे। वर्तमान में संचालित और आगे संचालित होने वाली उच्च माध्यमिक स्कूलों में 49,361 शिक्षक के पद भरना होगा। पिछले साल ही सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन शुरू होगा लेकिन कोरोना के कारण शुरू नहीं हो सका। पिछले साल ही हाई स्कूल में 33,916 शिक्षकों की बहाली के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो 33,916 के लिए देखिए कैबिनेट की मंजूरी है और इससे बिल्कुल भी आप ना सोचें इसके बारे में कि भाई जो भी हमारे 33,916 पद हैं उनको मंजूरी नहीं मिली, तो कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। 33,000 और 37,000 बैकलॉग, ये तमाम जितनी भी रिक्तियां हैं तमाम रिक्तियों को मिला के मैं आपसे बात करूं तो लगभग गाइज 49,361 शिक्षकों के पद जो हैं वो भरने होंगे। आगे लिखा है 2950 नए पंचायतों में फिर से शुरू हो रहे उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की ज़रूरत है। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान के दे सकते हैं 5,425 शिक्षक के पद हैं। द्वितीय भारतीय भाषा के 5,761 पद हैं।
जिलों में जिला परिषद व नगर निकायों के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होनी है। नियोजन के लिए बीएड के साथ ही एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बहाली चरणबद्ध तरीके से होगी। सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया में कई बदलाव भी कर दिए गए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा है साफ तौर पे जो सातवें चरण की बहाली है, इसमें कई सारे बदलाव जो हैं वो भी किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है, अब उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बहाली के लिए मेधा सूची बनाने में मैट्रिक और इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे। तो देखिए, इन्होंने कह दिया है कि मैट्रिक और इंटर के जो अंक हैं वो नहीं जोड़े जाएंगे और आवेदन भी ऑनलाइन लिया जाएगा। तो देख सकते हैं गाइज, विभाग कहीं ना कहीं तैयार है, फुल प्रूफ है। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भाई ये लेटर बहुत समय पहले जारी किया गया था एसटीटी मेरिट के संबंध में, क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में है के पात्रता के संबंध में लेटर जारी किया गया था। इसमें इस लेटर को मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए इस लेटर से बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। एक बात तो ये क्लियर होती है कि मेरिट और नॉट मेरिट विभाग के लिए कोई मायने नहीं रखता है, ये दोनों ही एक माना गया, यानी कि इन दोनों को मिला के केवल क्वालिफाइड ही माना गया कि अभ्यर्थी जो है वो क्वालिफाइड है। तो एसटीटी के प्रमाण पत्र की अनुमानता जीवन प्रयत्न करने की पृष्ठभूमि में एसटीटी 2011 के अभ्यर्थी जिनके एसटीटी प्रमाण पत्र की अनुमानता पूर्व में सातवें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु नहीं रह गई थी और राष्ट्रीय 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में हैं के पात्रता के संबंध में समीक्षा करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांग देखिए लिखा है यहाँ पे 22/2021 द्वारा सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और देखिए, इसमें जो लोग नॉट इन मेरिट लिस्ट में थे उनको भी ये माना गया है, उनको भी ये कहा गया है कि भाई अलग अलग कैटेगरी में नहीं होंगे बल्कि दोनों को ही सातवें चरण में नियुक्ति के लिए सम्मिलित किया जाएगा। देखिए लिखा है, एसटीटी 2011 के परिणाम में सामंजस्य स्थापित करने और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार विद्यालय परिषद समिति पटना के द्वारा एसटीटी 2019 के परिणाम दो श्रेणी यथा क्वालिफाइड एंड नॉट मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइड बट देखिए पहला है क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट, दूसरा है क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया है मैं सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सातवें चरण एवं आगे की नियुक्ति चरण में सम्मिलित होने का अवसर देने की अनुशंसा की गई है। तो देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि समिति की उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि एसटीटी 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सातवें चरण में और आगे की नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होने का मौका जो है वो दिया जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, साफ तौर विभाग ने ये बात कह दी है। और जो भी नियमावली है, नियमावली में संशोधन भी बहुत सारे हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन 33,916 पदों को जो है कहीं ना कहीं सृजन के लिए मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है और ये पद भी जो है दोस्तों वो भरे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।